गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो राजस्थान के ब्लॉग में आप सभी को फिर से स्वागत है। सो गाइस जिस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाले हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग लोकेशन जो कि कोटा का सेवन वंडर्स पार्क में हुआ था गाइस, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सेवन वंडर्स पार्क पे पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं यह है पार्क और वो है टिकट काउंटर और यह है गेट, मेन गेट जो कि जिस गेट से हम अंदर आए हैं, और यह है पार्किंग एरिया जो कि पार्क का पार्किंग एरिया है, उस साइड भी है और इस साइड भी है। अब हम चलते हैं पार्क के अंदर और फिर आप लोगों को पूरा पार्क दिखाते हैं। तो चलते हैं पहले टिकट लेने के लिए। ये पार्क सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, और अगर आप किसी और दिन आते हैं तो 2:30 में ये पार्क खुलता है और रात 10 बजे तक खुला रहता है। यह है टिकट घर। इस पार्क का टिकट का मूल्य मात्र 10 रुपया है, बहुत ही सस्ता टिकट है, बहुत ही सस्ता। सो गाइज फाइनली मूवी का लोकेशन पे पहुंच चुके हैं गाइज, अब हम आप लोगों को पूरा मूवी का लोकेशन और पूरा पार्क दिखाने वाले। बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो की देख सकते हैं। सो आप लोग प्लीज कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा एक एक करके आप लोगों को पूरा लोकेशन दिखाने वाले हैं। सो कंटिन्यू बने रहिए। पार्क में एंट्री करने से सबसे पहले कोलिजियम मिलेगा जो कि इटली का नहीं है, ये इटली का लग रहा होगा आप लोगों को देखने में, बट उसका डुप्लीकेट छोटा सा बनाया गया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है जो कि देख सकते हैं। यानी कि इसको देखने के बाद आप लोगों को इटली वाली कोलिजियम का फीलिंग आने लगेगा, क्योंकि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। हम आप लोगों को पूरा दिखा देते हैं बैक कैमरे से। लगता कि पूरा कोटा में इससे खूबसूरत पार्क कोई होगा, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही फेमस है। जब से मूवी शूट हुआ है इस लोकेशन पे और भी ज्यादा फेमस हो गया है। सो अभी तो बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, आप लोग बस देखते रहिए कंटिन्यू। सभी कुछ आप लोगों को एक एक करके दिखाएंगे और सभी का नाम नीचे मेंशन कर देंगे, आप लोग देख के समझ जाइएगा। वर्ल्ड में जो 7 अजूबे हैं वो इस पार्क में बनाया गया, जैसे कि ताजमहल, ईफिल टावर और कुतुब मीनार वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो कि सभी कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो दिखाते हैं। इस पार्क का सबसे फेमस लोकेशन है जो कि है ताजमहल, जो कि देख सकते हैं हमारे पीछे अभी है, और आगे से शॉट लिया गया था वरुण धवन और आलिया भट्ट का, जिसमें ये ताजमहल भी आया था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सो दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से, आगे से नहीं दिखा पाने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है जिसके वजह से मेरा आँख बंद हो जाता है। सो दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत, पूरा रियल लग रहा है, बता नहीं सकते इतना खूबसूरत लग रहा है। दिखाते हैं आप लोगों को। क्या ताजमहल दिख रहा है ना, रियल वाले आ रही है फीलिंग, बहुत ही खूबसूरत है भाई, मैं बता नहीं सकता।
देखने से तो पूरा रियली लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मिनी ताजमहल इसको बोला जाता है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा शॉर्ट मूवी का इस ब्रिज के सामने भी लिया गया था, जो कि हम आप लोगों का स्क्रीन शॉट के द्वारा यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये ब्रिज यहाँ पे वरुण धवन ठहरा थे और फिर ये ब्रिज ही पीछे आया था। पानी के बीच में जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है वो है जग मंदिर। उस मंदिर पे भी थोड़ा सा शॉट लिया गया था मूवी का, हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाने का कोई सुविधा नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों को वहाँ पे जाके दिखाते। बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है, पानी के चारों तरफ, पानी के बीच में वो मंदिर है जो कि देख सकते हैं। मंदिर पे कौन सा शॉट लिया गया था मूवी में स्क्रीन शॉट द्वारा यहाँ पे दिखा देंगे आप लोगों को, और ये मंदिर आप लोगों को बस जूम करके ही दिखा पाएंगे। अगर जाने का कोई सुविधा रहता तो हम उस मंदिर पे जाके भी एक ब्लॉग बनाते आप लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे जाके दिखाएंगे। गाइस अभी हम आ गए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे, जो कि देख सकते हैं इसी लोकेशन पे आलिया भट्ट और वरुण धवन सेल्फी का जो शॉट लिए थे इसी जगह पे से लिए थे, जो कि दिखाते हैं आप लोगों को पूरा बैक कैमरे से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इतने देर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस पार्क को सेवन वंडर्स पार्क नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इस पार्क में भारत के 7 अजूबे जो कि है बनाया गया है, इस वजह से इस पार्क को सेवन वंडर्स पार्क नाम रखा गया, जो कि अभी तक आप लोगों को 2-3 तो दिखा चुके हैं और जो बचा कुचा है वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। पीसा की झुकी मीनार, वाह सच में ये लग रहा है कि झुका हुआ ही है भाई, अब तो लगता है गिर ही जाएगा, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये फोटो शूट का एक नंबर लोकेशन है भाई, यहाँ जितने भी लोग आते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो वहाँ पे सिक्कर लगा हुआ है उसके अंदर एंट्री नहीं कीजिएगा, क्योंकि पुलिस बड मार मार। गलती से एक बार हम वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा अंदर क्या चल गए, 3-4 गार्ड आ गया था, इसलिए जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए हुए हैं फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन लोगों के लिए बता दे कि प्लीज़ वो उसके अंदर ना जाए, क्योंकि उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी ना। तो पहले आप वीडियो पर चलते हैं, क्यों फालतू की बात बहुत कर लिए, सो चलते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। आप लोगों को भारत के 7 अजूबे एक ही साथ देखना हो तो बस इस पार्क में आ जाइए, बहुत ही सुकून मिलेगा देख के और काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा घूमने का जगह है। इतना देर तो वीडियो बनाए भाई, थक तो गए हैं, तो बैठने का बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, और भी है गर्लफ्रेंड लोग से लाने का एक नंबर जगह। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, जो भी लोग सिंगल लोग आते हैं तो लेके आइए, ज़्यादा इंजॉय कर पाइएगा भाई, हम लोग तो सिंगल है, मैं यूट्यूबर हूँ, बट फिर भी कोई नहीं, चलते हैं सिंगल ही मस्त घूम रहे हैं। चलते चलते कुछ मिला, क्या है ये क्या पता नहीं, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इस जगह पे हमें दो चीज़ और भी ज़्यादा पसंद आया है, जो बना हुआ वो तो है ही है, बट जैसे कि एक ये घर टाइप का बना हुआ, ये भी मूवी का शूटिंग लोकेशन में थोड़ा सा शॉट आया है इसका भी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ बताते हैं, वो जो देख रहा है आप लोगों को वो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, फोटोशूट में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम भी फोटोशूट करवाए यहाँ पे, एक दिन तो आए थे उसी के लिए। सुन मेरे हम सफर, इसी सॉन्ग का इस पार्क में शूट हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बता नहीं सकते हैं, दिल को टच करने वाली सॉन्ग है। पार्क में दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक ये है और एक वो साइड में, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी हम आ गए हैं कार नाम बाहो एक गाइस, देख सकते हैं एफिल टावर, जो कि वो जो रियल वाली है उससे तो थोड़ा छोटा है, बट देख के तो मज़ा आ गया यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट दूर से ही देख सकते हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो बैक कैमरे से हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम गरीब हैं, मैं गरीब हूँ। हम गरीब आदमी के पास अगर ड्रोन रहता तो इतना धांसू लोकेशन है ना, इतना गजब का शॉट दिखाते आप लोगों को, बट क्या कीजिएगा, गरीब ब्लॉगर है, मोबाइल से ही वीडियो बना के काम चला लेते हैं। लेकिन आप लोग अपना प्यार सपोर्ट अगर देते हैं, अगर इसी तरह जिस तरह आप लोग दे रहे हैं, तो ज़रूर ड्रोन क्या बहुत बड़ा बड़ा कैमरा लेंगे। ये भी देख सकते हैं काफी अच्छा लोकेशन है। सबसे लास्ट एरिया में आप आते हैं तो कैंटीन मिलेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा कैंटीन है, बहुत ही बड़ा कैंटीन है। और यहाँ पे पब्लिक को बैठने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है, जो कि देख सकते हैं इधर बैठने के लिए है, और ये भी अच्छा खासा बनाया हुआ है बैठने के लिए, ये जो कि देख सकते हैं। पार्क के सबसे लास्ट वाले एरिया में आप आते हैं तो कैंटीन मिलेगा आप लोगों के लिए, और ये सभी सुविधा है इस पार्क के अंदर ही। संडे को इस पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप कोटा में हैं तो इस जगह पे एक बार ज़रूर आइए घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने का। और जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहोगे कि इतना खूबसूरत जगह है कि आप लोग आइए ज़रूर। बद्रीनाथ दुल्हनिया की मूवी में जो शॉट यहाँ का लिया गया था, इस पार्क का जो भी टॉप लोकेशन था उसी का शॉट लिया गया था, बट हमने आपको पूरा पार्क दिखाया, पूरा पार्क आप लोगों को दिखाया है। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक तो बनता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी कुछ आप लोगों को दिखा चुके हैं पार्क का, और जो कुछ बचा हुआ है सभी कुछ आप लोगों को और भी दिखा देंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें, इसके अंदर, ये पानी के अंदर मतलब रियल में मगरमच्छ अभी भी रहता है, देखिए वहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को जूम करके। एक मगरमच्छ शायद वो मर गया है, उस पर आके रुक बैठा हुआ है, या पता नहीं जिंदा या मर गया, लेकिन लगता है ये मर ही गया है। तो दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से, इसमें रियली में मगरमच्छ रहता है।
अरे दादा, अरे बाप रे बाप, सच में मगरमच्छ है, ताता हो ताता। एक साथ भारत के सातों अजूबा अगर आप लोगों को देखना है तो बस इस पार्क में आ जाइए, सभी कुछ आप लोगों को एक ही साथ देखने को मिल जाएगा। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी पार्क में आप लोगों को सभी चीज का फीलिंग और रियल में लगेगा। बट बहुत ही अच्छा है, मानिए कि उससे जो बना हुआ है वहाँ पे रियल वाली उससे तो अच्छा नहीं होगा, बट फिर भी देख सकते हैं और फोटोशूट करवा सकते हैं। फोटोशूट, वीडियो शूट सबके लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, सो आप लोग भी आइए कभी घूमिए। देख सकते हैं ये भी शॉट है सॉन्ग में, और ये दोनों का भी शॉट आया हुआ है। तो कुछ देर पहले ये पानी नहीं चल रहा था बट अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को दिखा सकते हैं। जो कि वरुण धवन के पीछे में भी ये पानी का चलने का सीन आ रहा था, बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं। रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया लाइटिंग का, जो कि अभी से ही बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और रात में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो गाइस देख सकते हैं उधर फोटोशूट हो रहा है। सेवन वंडर्स पार्क से थोड़ा ही दूरी पर मूवी में एक शॉट लिया गया था, जो कि वरुण धवन बस से इस लोकेशन पे आते हैं, इतना ही शॉट इस जगह पे है, जो कि हम आप लोगों के स्क्रीनशॉट द्वारा यहाँ पे दिखा देंगे। सो गाइस इस पार्क में जितना कुछ था दिखाने के लिए आप सभी को सभी कुछ दिखा दिए हैं। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग वीडियो को देख पाएँ।